कपिल यहाँ पे है शर्मा जी ये जिम्मेदारी आप दस साल से निभा रहे हैं टीवी पे तो अगर एक आधा सवाल आप ही कर ले तो मैं, मुझे लगता है ज्यादा अच्छा हो जाए मैं चेक ही करने ठीक तो कर रहा है कि है <laughs> यार यहाँ भी तो मेरे पीछे पड़ गया <laughs> अच्छा हुआ ये लेट आया वरना मैंने पहले चेक कर लेना इसने <laughs> आ, कपिल मतलब मैं, मैं एक ही चीज जानता हूँ इस फिल्म के बारे में के, आ, कु पाजी जी फिल्म का एक वो स्तंभ रहते हैं जिस फिल्म में होते हैं कि इनकी इनपुट्स बहुत रहती हैं और जैसे कपिल हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट हो सबसे बेस्ट कॉमेडियन और कुग्गी पाजी जी को मैं तो मतलब मानता हूँ कि पंजाब में इनसे बड़े कॉमेडियन होस्ट और जहाँ भी ये जाते हैं वर्ल्ड में उनसे बड़ा कोई नहीं है तो पाजी आ, अगर आप माइक संभालें थोड़ी देर अच्छा इसलिए तारीफ हो रही थी मेरी वो खुद फ्री होना चाह रहा था मुझे लगा इतना अच्छा हूँ नहीं मैं जितना बोल दिया इसने तो ये माइक मेरे पे आ रहा था सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपने हमें एहसास करा दिया कि हम वास्तव में हमारा जो रीजनल सिनेमा है पंजाबी का हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वरना मैंने देखा कई बार यहाँ पे होते हैं हमारे रीजनल सिनेमा के इवेंट्स ऐसे लेकिन आठ से दस के बीच में जर्नलिस्ट आते हैं तो आज मुझे लगता है आठ से दस होंगे जो नहीं आ पाए किसी कारण। तो आज जो हमें आप अहमियत जो जो मोहब्बत खलूस आप दे रहे हैं ये हमें हमेशा याद रहेगा और सिनेमा कोई भी हो सिनेमा की कोई एक भाषा एक जबान नहीं होती सिनेमा सिर्फ सिनेमा होता है हिंदुस्तान में देश में कोई भी सिनेमा आगे बढ़ता है तो पूरे देश का सिनेमा आगे बढ़ रहा है ये बात हम हमेशा याद रखेंगे तो सारा सिनेमा आगे बढ़ता रहेगा और देखिए आज साउथ ने कितनी बड़ी एग्जाम्पल सेट कर दी है आज साउथ ने भी बहुत मार्के का काम किया है और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने दिखा दिया है कि हम लोग हॉलीवुड से पीछे नहीं है तो आज इससे पहले कि मैं अपनी स्टार कास्ट के साथ आपका तारुफ कराऊं बाकी सबके साथ दो बातें करूं मैं मेरा दिल सबसे पहले ये कह रहा है कि मैं हम सबकी तरफ से जितना दिल हम सब लोगों का इकट्ठा करके एक ही बनता है ना उसकी आखिरी तय में जाके मैं आमिर खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर। सर कर मैं मैं I mean जब पंजाबी सिनेमा का नया दौर शुरू हुआ था 2003 में मनमोहन सिंह जी ने पहली पिक्चर बनाई थी मनमोहन जी जो सिनेमाटोग्राफर जिन्होंने बेताब से लेकर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तक सारी सिनेमाटोग्राफी की है।, है मन जी ने हाँ जी तो मन जी ने पहली पिक्चर बनाई थी जिया हमने वो शुरू की थी तो हमारी बारह तो में में डेब्यू था बारह या चौदह स्क्रीन पे हम लोग लगे थे और हमें लगा था कि पंजाबी सिनेमा बन गया पैदा हो गया लेकिन आज मुझे लगता है कि हम बारह स्क्रीन के बाद मुझे लगता है हम लोग कम से कम नहीं तो आज सानी साहब करेक्ट करेंगे मुझे हम लोग कोई चालीस मुल्कों में लग रहे हैं बहुत बड़ी बात होगी ये हमारे लिए और आमिर साहब आपका आना इस बात की तस्दीक है कि पंजाबी सिनेमा वास्तव में ग्रो कर रहा है क्योंकि आपके बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ ये सिर्फ एक्टर नहीं है ये आर्टिस्ट नहीं है ये हमारे देश की धरोहर है ये हमारा एसेट है हमारी कंट्री का हमारे देश का क्योंकि एक्टर जब तक एक्टर रहता है तब तक वो अपने परिवार के लिए सोचता है लेकिन एक्टर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है तो पूरे देश के लिए सोचता है जो कंटेंट आपने दिया है सदियों तक आपको याद रखा जाएगा आमिर साहब एक्टर बन के पैसे बना लेने बहुत आसान होते हैं आप के हिस्से में ये आया है सिर्फ आपके हिस्से में कि आप किसी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं हालांकि आपके बगल में वो भी खड़े हैं कपिल जी जो किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं <laughs> ये मेरा छोटा भाई यार इसने इतना हमारा मान बढ़ाया है पंजाब का लोगों को लगता था कि ये शायद बफूनरी करने वाले लोग होते हैं शायद ये सिर्फ आहू आहू करना आता है इनको शायद ये लस्सी मांगते हैं सिर्फ मक्की की रोटी सरसों के साग के साथ ये खाते हैं लेकिन कपिल ने आके ये बताया पूरे देश को और पूरे वर्ल्ड को कि कॉमेडी की बारीकी क्या होती है छोटी सी महीन सी बात कैसे निकलती है और कितना बड़ा इम्पैक्ट रखती है सो कपिल तुम्हारा भी यहाँ अनाज हमारे लिए बहुत अहोभाग्य हमारा बहुत हम इस चीज़ पे फख्र महसूस करते हैं कि आप हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और आपने हमारी स्टेट में पूरे देश का विश्वास बढ़ाया है कि ये लोग सेंसियर होते हैं मेहनती होते हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं